दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर सीटेट 2018 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका कि इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। बहुत सारी खबरें उसके लिए आ रही थी, उसकी एक्चुअल नोटिस लेकर हम यहां पर आपके बीच हाजिर हुए हैं, जिसमें कि लास्ट ईयर दोस्तों सीटेट के बारे में बहुत सारी खबरें आई लेकिन सीटेट एग्जाम नहीं हुआ। इस साल भी ईयर के मतलब इस साल के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताई थी कि इस साल कहीं ना कहीं सीटेट आने की पूरी संभावना है, जो हमने पहले के वीडियो में आपको बताई थी, और नेक्स्ट 6 मंथ में इसका कुछ ना कुछ नोटिस निकलेगा। तो अगले ही मंथ यानी कि जनवरी के बाद फरवरी में ही आपको ये नोटिस आ गई है, और पूरी डिटेल्स के साथ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि क्या इसका एक्चुअल न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ था, हर एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पूरे वीडियो में आप यहाँ पे बने रहिए। तो दोस्तों ये जो खबर हमने पहला लिया है वो NDTV से लिया है, जहां पर की पूरी बात एक एक करके हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इंग्लिश में है लेकिन हम इसको हिंदी ट्रांसलेट करके भी देखेंगे। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इज लाइकली टू रिलीज दिस मच अवेटेड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन बाय द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के मंथ में यानी कि अगले मंथ यहाँ पे सीटेट की नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और आएगी, इस तरीके की बात जो है यहाँ पे कही जा रही है। आगे है कि सीटेट 2018 विल बी हेल्ड ऑन मे और जून दिस ईयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स। तो दो साल के बाद यहाँ पे सीटेट 2018 जो है मई या जून में होगा। अगर अभी आपको कोई एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डेट फिक्स नहीं हुआ है। मई या जून में कंडक्ट होने की बात हो रही है, जिसकी नोटिफिकेशन मार्च यानी कि अगले महीने मार्च 2018 में आएगी। आगे है द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सीटेट टू द CBSE दिल्ली। तो HRD डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने CBSE को कहा है सीटेट एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। आगे है कि RTE एक्ट मैंडेट्स दैट एन एस्पायरिंग टीचर शुड पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन विच इन अ नोटिफिकेशन डेटेड August 23, 2010 एंड July 29, 2011 laid down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher for class 1 to 8। तो ये यहाँ पे कहा गया था 2010 और 2011 के नियम के हिसाब से, RTE एक्ट में जो बोला गया था उसमें ये कहा गया कि कोई भी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं और 1 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। ये न्यूज आप लोगों को पहले से भी पता होगी। तो ये चीज उस समय में कही गई थी, तो इस कारण से जो है सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम आपको पास करना अनिवार्य है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। तो आगे अगर इसमें देखें तो एन ऑफिशियल टोल्ड द न्यूज़पेपर दैट अ डिले इन नोटिफिकेशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस बीइंग अप्लाइड टू द सीटेट सिलेबस एंड द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड बाय दिस मंथ। तो कंक्लूडेड बाय दिस मंथ, मतलब ये कहा जा रहा है कि CBSE के सिलेबस में यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाली है जिस वजह से इस प्रोसेस में डिले हुआ। तो उनका जो सिलेबस बदल रहा है उसको वो लोग कंक्लूड कर रहे हैं। वो एक बार कंक्लूड अगर कर लेते हैं उसके बाद मार्च में, इस महीने तक वो दे रहा है कि इस महीने तक वो कंक्लूड कर लेंगे नए सिलेबस को, और उस मार्च में नए सिलेबस के बिहाफ पे आपको यहाँ पे सीटेट 2018 देखने को मिल सकता है, जिसका कि एग्जाम आपको मई या जून में कराया जाएगा। आगे है कि एन ऑफिशियल टोल्ड प्रेस ट्रस्ट टू इंडिया लास्ट अप्रैल दैट सीटेट विल बी हेल्ड जस्ट वंस अ ईयर इंस्टेड ऑफ करंट प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग इट ट्वाइस। तो साल में दो बार होने के बदले ये अब एक बार ही होगा, ऐसा यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे कहा गया। आगे यहाँ पे है कि व्हेन ऑल मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंडक्टेड वंस अ ईयर व्हाई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस। दे आर मैसिव स्केल एक्सरसाइज विच रिक्वायर मैसिव रिसोर्स एंड इन अ वे रिड्यूस सीरियसनेस ऑफ कैंडिडेट्स सिंस द फियर ऑफ वेस्टिंग अ ईयर इजंट देयर। एक सीनियर ऑफिसर ऐसा बोले, उन्होंने कहा कि एक तो पहली बात यहाँ पे साल में दो बार कराने में बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और दूसरी बात साल में दो बार होता है तो स्टूडेंट की सीरियसनेस घटती है, क्योंकि उनको ये चीज़ों का डर नहीं रहता है कि अगर मैं इस बार पास नहीं करूँ तो एक साल हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात यहाँ पे एक ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने कही। आगे है फेक सीटेट नोटिफिकेशन। तो मेनली दोस्तों आपको इन सब चीजों से ही दूर रहना है। अगर कहीं पे कोई फेक नोटिफिकेशन आती है तो लास्ट ईयर सम अनऑथराइज्ड वेबसाइट हैव अपलोडेड अ फेक नोटिफिकेशन ऑन अ कंडक्ट ऑफ सीटेट 2017 इन जुलाई। तो ये खबर आई थी कि 2017 जुलाई में सीटेट कंडक्ट होगी, ये बहुत सारे जगह वायरल भी हुई थी फेक नोटिफिकेशन। लेटर CBSE क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो इशूड it has not issued any such notification and it said that notification floated on unauthorized website is fake
एंड नॉट कंसर्न विद द सीबीएसई। तो आप लोग यहाँ पे जरूर ये देखें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और किसी प्रतिष्ठित चैनल से आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन, चूंकि अब फिर से सीबीएसई का नोटिफिकेशन यहाँ पे शुरू हो गया है, तो आपको बहुत सारे नोटिस मिलेंगे। और मुझे जो यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि दोस्तों मई और जून में एग्जाम होगा, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं है, अभी आपको कोई कुछ डेट बता देंगे, कहीं से कुछ उड़ती खबर आ जाएगी, तो आप आराम से रहे, हम जरूर आपको आगे ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाएंगे कभी भी कोई चीज आएगी। तो आगे यहाँ पे कि ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स फॉर सीटेट 2017 में प्लीज नोट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड बी अलर्ट ऑन सच फेक नोटिफिकेशंस। तो मतलब आपको यहाँ से ऐसे फेक नोटिफिकेशन से बच के रहना है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू विजिट सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट इन ओनली फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट अबाउट सीटेट। तो ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ये ओपन करके दिखाया था कि ये जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तभी आपको जो है वो चीज़ें मानना है। तो ये आगे कोई भी नोटिस यहाँ पे आएगी तो हम आपको पूरे प्रूफ के साथ स्क्रीन शेयर करके आपको सीटेट को ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एक चीज़ बताएंगे। सिलेबस भी चेंज होने की बात हो रही है, तो जो भी बात है हम लोग सब कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से इस एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये एग्ज़ाम आई और इससे आप लोग यहाँ पे जरूर अच्छा करें। और मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम सही में है, और यहाँ पे दोस्तों हिंदुस्तान में भी इसकी खबर आई थी, तो एक बार मैं इसे भी आप लोगों को बता देता हूं अगर यहां से कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिल सके तो। तो दोस्तों सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी को अभी 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। सीबीएसई इस साल मई महीने में इस परीक्षा का आयोजन करेगी। मालूम हो कि सीटेट की परीक्षा पिछली परीक्षा 2 साल पहले हुई थी, ऐसे में स्कूलों में नियुक्तियां आने के बावजूद भी कई परीक्षार्थी आवेदन नहीं कर पाए। सीटेट में हो रही देरी के सवाल पर सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान को बताया कि सीटेट के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी एनसीटीई को सौंपी गई है। पाठ्यक्रम में बदलाव का काम इसी महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद मार्च महीने में सीटेट के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। परीक्षा मई के अंत में या जून महीने में शुरुआत होगी के शुरुआत में होगी, तो मई के लास्ट में या जून के स्टार्ट में भी बात हो रही है, कोई डेट फिक्स नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। देश के अधिकतर राज्य अपने यहां राज्य स्तरीय शिक्षक अर्हता परीक्षा का आयोजन करते हैं, जो स्टेट का टीईटी होता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई सीटेट का आयोजन करता है। सीटेट में 2 साल की देरी में सबसे अधिक नुकसान दिल्ली के प्रतिभागियों को हुआ है, जिनके लिए सीटेट पास करना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि उनके पास वहां पर राज्य की कुछ है नहीं। बीते दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार में आई शिक्षक भर्ती में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रमुख बैच ने हाल ही में इस आधार पर कुछ परीक्षार्थी को बिना सीटेट के भी चयन प्रक्रिया में अंतरिम रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है, क्योंकि वर्ष 2017 में सीटेट का आयोजन नहीं हुआ था। हालांकि इन लाभार्थियों को मई में होने वाले सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तो अब यहाँ पे ये बात बोला गया कि उनको भी जो है मई में उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों सीटेट को लेकर आई है, जहाँ पर कि आपको मेनली जो बात अगर आप यहाँ पे देखें तो 2-3 चीज़ मेन है। पहला तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म निकलेगा, जो नोटिफिकेशन आएगी वो मार्च में आएगी। दूसरा जो यहाँ पे मेन बात है वो है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट में या जून में होगा। और उसके बाद तीसरा जो बात है, यहाँ पे सिलेबस में कुछ चेंजेज हो रहा है और उसी को कंक्लूड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, जिस वजह से सीटेट लेट हुआ और 2017 में सीटेट नहीं हो पाई, और 2018 में भी यहाँ पे मई या जून में एग्ज़ाम होगी। तो इस महीने यानी फरवरी में सीटेट के जो सिलेबस है, नई सिलेबस, उसको पूरी तरीके से कंक्लूड कर लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। वो भी मैं अभी दिखाता हूँ कि आप कहाँ पे अपलोड वो किया जाएगा और आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेन बात आपको ये बताई गई कि आप सीटेट के नोटिफिकेशन के प्रति सतर्क रहें और सही नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है उसी को आप माने, या जो प्रतिष्ठित न्यूज़ हैं मीडिया चैनल से वहीं से आप बात माने और घबराएं नहीं। आगे जो भी चीज़ें होगी हर एक चीज़ आपको यहाँ पर योर ऑनलाइन पार्टनर पर भी मिल जाएगी। और जहाँ तक रही सिलेबस की बात, तो ये यहाँ पर आप जब सीटेट की वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर एक सिलेबस का सेक्शन होगा, जहाँ पर कि अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिलेबस है। तो अगर सिलेबस यहाँ पे चेंज होता है, जो कि कंक्लूड किया जा रहा है, तो लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, जहाँ से कि आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ अपडेट आएगा तो हम भी आपको जरूर बताएंगे, तो कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीटेट के लिए नए हैं, आप पहली बार ही दे रहे हैं, तो इसके अलावा जैसे कि आपको एलिजिबिलिटी देखना है या फीस देखना है
या आपको ये देखना है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वेबसाइट में दी हुई है। और इस वेबसाइट की खासियत है कि आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। जैसे अभी इंग्लिश में आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैं हिंदी में क्लिक करूँगा तो ये आप हिंदी में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, आप सारा कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक में देखेंगे तो कब कब कितने साल कितने दिन की वैलिडिटी है, किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ आप यहाँ पे देख के रखें अगर आप नए हैं तो। जैसे ही कोई कोई नया नया अपडेट होगा तो हम भी आपको पूरी बात बताएंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेफिक्र होकर कॉमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाजत। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह पे, ताकि सबको ये इंफॉर्मेशन मिले। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।